हेलो एवरीवन, एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो कैसे देखना है, कौन सा रीजन का, मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला घंटा दबा देना। ओके, मैं ब्लॉग झारखंड जीएस और करंट अफेयर्स और इंडिया का भी करंट अफेयर्स बनाने वाला हूँ, और ये सब का जानकारी देते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सरकारी रिजल्ट लिखते हैं गूगल में, तो आ गया सरकारी रिजल्ट, देख सकते हैं आगे का प्रोसेस हो रहा है। तो आगे आप देखिए सरकारी रिजल्ट इस तरह दिखता है, उसका आइकन, ठीक है, मोबाइल में। अब देखिए एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है, एसएससी एंड एमटीएस एडमिट कार्ड 2019। चलिए अब इस तरह कुछ दिखता है। अब चलते हैं डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड सीआर रीजन मतलब सेंट्रल रीजन, एडमिट डाउनलोड एडमिट कार्ड अदर रीजन। तो सेंट्रल रीजन के हैं तो क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा, है ना, सीआर। और अगर आप अदर रीजन के हैं तो क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा अदर रीजन में। तो चलिए अदर रीजन का देखते हैं। तो देख सकते हैं आ चुका है, आप ये नोट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का अलग दिया हुआ है और इधर स्टेट वाइज रीजन दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ क्लिक प्रोसीड बटन ऑफ इफ़ यू हैव अपडेटेड योर एग्ज़ाम सेंटर इन यूपी एंड बिहार। अगर आपका यूपी और बिहार किसी भी सिटी में है तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड ऑन नाउ करते हैं, तो यहाँ यूपी और बिहार के लिए सिर्फ होगा इस तरह। ठीक है, तो दोस्तों सभी को एक ही बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आप बार बार डाउनलोड करेंगे तो आपका साइट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो वार्निंग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किए थे तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालना है, महीना ईयर और सिलेक्ट सिटी मतलब आप जो सिटी में भरे थे वो डालना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद सर्च करना है, और ये तीन तीन दिया हुआ उसको जोड़ के यहाँ पहले लिखना है, उसके बाद सर्च करना है। ठीक है, अगर रोल नंबर है तो यहाँ पे ऐसे कुछ डाल सकते हैं, और सब कुछ वैसा ऑप्शन है। अब चलते हैं दूसरा रीजन का, देखते हैं कैसे है। और आप अगर यूपी और बिहार से नहीं हैं तो आपका अलग से इधर दिया हुआ है, देख सकते हैं, स्टेट यूपी रीजन वेब पोर्टल ईमेल में। ठीक है, तो आप जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं वो देख के, तो अब मैं एक करके दिखाता हूँ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ऊपर से चौथा नंबर स्टेट। ठीक है, तो चलिए हम स्टेट नेचर में देख रहे हैं, वेब पोर्टल में क्लिक कीजिएगा किसी का, जहाँ जिस रीजन से भी आप बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो चलिए करके दिखाता हूँ एक टो। तो क्लिक किया, अब ओके दबाना है। ठीक है, चलिए ओके दबा दिया। अब तो ऐसा कुछ आएगा, बुलेटिन बोर्ड है ना, ईस्टर्न रीजन, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर एडमिट कार्ड, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोना में जिधर गांधी जी का है 150 ईयर, वहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, देखिए हम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक करने पे अब इस तरह आता है। अब देखिए लिखा है, नाउ योर स्टेटस मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल एक्स्ट्रा पेपर वन। ठीक है, तो चलिए अब क्लिक करके देखते हैं, यही क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे कुछ जो भी है, उसके बाद यहाँ पे 8+0 उसको जोड़ के जो भी है आएगा मतलब आपका स्क्रीन में, उसके बाद नेक्स्ट में कीजिए क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और
अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और नोटिफिकेशन वाला बेल भी दबा देना, ठीक है। अगर सिर्फ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला दबा लेना, जो मेरा ब्लॉग वीडियो जीएस करंट अफेयर्स जो अच्छा लगे उसी को देखना, लेकिन आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया, फिर मिलते हैं आगे।